If a rational number is A is rational number and under root B is a irrational number, then prove that A plus root B is irrational number. ये prove करना है, ठीक है? तो मैंने suppose कर लिया कि जो है let A plus under root B is a rational number. ऐसा इसके पहले हमने किए थे. A plus root B is a rational number. ये लिख दिया rational number. रेशनल नंबर लेट, ठीक है, ये रेशनल नंबर है. और यहाँ पे ये पता है कि ए रेशनल नंबर, ए भी रेशनल नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है, एंड ए इज आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है. तो हमको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी टू रेशनल नंबर्स का सम होता है या डिफरेंस होता है, ठीक है, ऐड कर लें या फिर सब्ट्रैक्ट, जो भी उनका जो डिफरेंस होता है वो रेशनल नंबर ही होता है. इरेशनल का एक इरेशनल होगा और रेशनल का रेशनल ही होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है. यहाँ पर a प्लस रूट बी मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, a हो गया, ठीक. इन दोनों का डिफरेंस है, इस रेशनल नंबर का और इस रेशनल नंबर का, मतलब ए का, ए से कट जाएगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, अंडर रूट बी. अंडर रूट बी क्या है यहाँ पर, इस वजह से दैट दिया हुआ है कि अंडर रूट बी इज अ ए रेशनल नंबर. यदि ये अंडर रूट बी, यहाँ पर बी जो हमारा ए रेशनल नंबर है और ए हमारा यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, ए अंडर रूट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूट बी क्या है, ए रेशनल नंबर है, ठीक है. तो जो हमारा कंट्राडिक्शन है कि अंडर रूट बी जो है हमारा क्या है, हमारा वो ए रेशनल नंबर है, ठीक है. तो हमने वो रेशनल नंबर कब माना था, जब ये माना था कि ए प्लस ये बी जो है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है. लेकिन ये जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन है, सो दैट रूट टू थ्री इज इरेशनल, ये प्रूव करना है कि टू रूट थ्री जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है. तो पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट टू रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, कुछ भी होगा पहले इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, रेशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. तो टू रूट थ्री हमारा क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया, ठीक, रेशनल नंबर है. तो हम दूसरा कोई रेशनल नंबर इसमें और ले लेंगे जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो कौन सा नंबर लेंगे ये सोचना है, ऐसा नंबर लेंगे कि ये टू यहाँ से डिवाइड हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, कि हमको हम रूट बचे, ठीक है, रूट थ्री बचे. तो क्या करेंगे, वन बाई टू, जो हमारा सेकेंड हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा क्या है, वन बाई टू है, ठीक है. वन बाई टू भी एक रेशनल नंबर हो गया, और इसको तो मैंने एज्यूम कर ही लिया है, लेट रूट थ्री इज रेशनल नंबर. अच्छा, इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं. तो वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू रूट थ्री कट जाएगा. हमको पता है कि किसी भी टू रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसका आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है. द रेशनल इनटू रेशनल इक्वल टू रेशनल कर रहा है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है. तो क्या मिला मुझे, रूट थ्री मिला. और कंट्राडिक्शन ये फैक्ट है कि रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर है कि नहीं, फैक्ट ये भले से फिक्स है कि जो भी रूट में होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक. तो रूट थ्री क्या मिला हमको, यहाँ पर इरेशनल नंबर मिला. तो ये इरेशनल नंबर है और टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है. तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इनटू इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर. तो प्रूफ हो गया कि टू रूट थ्री हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी प्रूव करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है. तो पूरे में एज्यूम कर लिया कि क्या हमारा है,
रेशनल नंबर है. लेट 3 प्लस 5 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, ये मैंने प्रूफ मतलब एज्यूम कर लिया है. ठीक, तो कोई दूसरा नंबर ले लिया कि 3, एक दूसरा नंबर और क्या है, अदर 3 इज अदर रेशनल नंबर. ठीक है, ये भी हमारा कोई रेशनल नंबर है, तो इससे इसमें माइनस कर लेते हैं. ठीक, क्यों हमको यहाँ पे 3 को हटाना है, रिमूव करना है, मैंने 3 लिया, 5 होगा तो 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो 3 प्लस 5 रूट 3 माइनस 3. ठीक है, कट जाएगा, ये क्या मिलेगा, 5 रूट 3 मिला. ठीक है, अभी हमने क्या एज्यूम किया है, ये हमारा क्या होगा, अभी तक ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर था और ये भी रेशनल नंबर है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रेशनल नंबर ही होगा. ठीक, अच्छा, तो 5 रूट 3 जो आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा, बट ये रेशनल नंबर. अभी हमको क्या करना है, यहाँ से 5 को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, फिर से कुछ दूसरा नंबर ले लेंगे 1/5, क्योंकि इसको 5 में हटाना है, तो कोई अगर दूसरा नंबर ले लीजिए 1/5 इज रेशनल नंबर. ठीक है, इज अ रेशनल नंबर ले लिया, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 रूट 3, 5 कट जाएगा, क्या मिलेगा, रूट 3 मिलेगा. तो रूट 3 क्या है, पहले से फैक्ट है रूट 3 इज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस 5 रूट 3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करना है. तो लेट 3 प्लस 5 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, सपोज कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो रेशनल नंबर है. ठीक है, तो इसमें कोई दूसरा नंबर को हम सब्ट्रैक्ट या प्लस कर सकते हैं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 इज अल्सो ए रेशनल नंबर. क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे रिमूव करना है, इसलिए मैंने 3 इसको ले लिया है. ठीक, तो 3 प्लस 5 रूट 2 माइनस 3, क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, ए भी रेशनल नंबर, ए भी रेशनल नंबर, तो 3 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 5 रूट 2. ठीक है, तो 5 रूट 2 मिला, तो ये क्या होगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर. अच्छा, अभी भी यहाँ पर ये क्या मिला है, यहाँ पर 5 रूट 2 है, इस 5 के यहाँ से हम रिमूव करेंगे. ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सपोज कर लिया कि 1/5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर. ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, 5 रूट 2, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल नंबर है, तो 5 से 5 कट गया, क्या मिला, रूट 2, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, तो रूट 2 यहाँ पर रेशनल नंबर है. बट जो कंट्राडिक्शन है, जो पहले से प्रूफ है कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, सो ऐसा क्यों हुआ, ये रेशनल नंबर क्यों आया, क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है, तभी ये रेशनल नंबर आया. ठीक है, लेकिन जो हमने कंट्राडिक्ट किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये जो हमारा रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन ये पहले से प्रूव्ड है कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, सो 3 प्लस 5 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस इसको एज्यूम करना है रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही भी प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आगे वीडियो आएगा उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहे नोटिफिकेशन. ठीक है, ओके, थैंक यू.